मन में भक्ति रहती है और बुद्धि में ज्ञान रहता है।
हमारा ये जो जीवन है थोड़ा बदलने की वस्तु है। आपके जीवन में हमारे जीवन में मन और बुद्धि दोनों मिले रहते हैं कि दोनों में आपस में लड़ाई रहती है? और यदि दोनों मिले रहते हैं तो बुद्धि मन के साथ चलती है कि मन बुद्धि के साथ चलता है? एक जीवन का ज्वलंत प्रश्न। एक सज्जन पत्रकार हमारे घर में रोज हमारी पत्नी से लड़ाई होती है। दूसरे ने कहा कि हमारे से जब से ब्याह हुआ तब से अब तक 25 वर्ष हो गए, कभी पति पत्नी से लड़ाई हुई नहीं। हमारे पास ऐसी क्या युक्ति है कि पति पत्नी में लड़ाई नहीं हुई? तो बोले की वो जो कहती है उसको मैं मानता हूँ। आज्ञा हमारी पत्नी देती है और उसका पालन मैं करता हूँ, हमारे उससे कभी लड़ाई नहीं। तो आप अपने जीवन में देखते हैं, पहले मन चलता है फिर उसके पीछे बुद्धि चलती है, कि पहले बुद्धि चलती है और उसके पीछे मन चलता है? समझ में हमारे दोनों में मेल मिला कराओ। माधव से खेती के कारण एक राजा ने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की और उनकी लड़की और रथ पर चढ़ जब आया आपने महल में, तो पत्नी ने पूछा कि अरे ओ कपटी, मेरी जगह पर ये कौन लड़की बैठी है? तो बोला है तुम्हारी पुत्र बधु। वो बोली कि अरे वो पुत्र ही नहीं है, तो पुत्र बधु कहाँ से होगी? तो उन्होंने कहा कि आगे जो तुम्हारे पुत्र होगा उसके साथ होगा। भागवत में तो टीकाकार लिखते हैं कि इतना बड़ा पत्नी भक्त कृष्ण में और कोई दूसरा नहीं हुआ है। सुखदेव का लोगों ने कहा कि भाई देखो, कोई अपना पत्नी भक्त हो तो ऐसा हो, तो आओ इसकी बात पूरी कर रहे हैं। तो उसको पुत्र दे दिया और पुत्र को जवान बना दिया और दोनों भी शादी हो गए। ये 9 स्कंद में भागवत के अयोध्या का प्रसंग है। तो अपने मन में भी आप देखें कि आपके जीवन में कौन आगे और कौन पीछे। वैसे जब खबर पड़ती है ना विवाह, तो 7 परिक्रमा होती है अग्नि की, उसमें 4 परिक्रमा में स्त्री आगे आगे चलती है, वधु आगे आगे, और 3 परिक्रमा में पुरुष आगे आगे चलता है। तो 7 में से 4 पत्नी की अगुवाई में होती है और 3 पुरुष की अगुवाई में वो स्त्री का ही ज्यादा रहता है। ये विवाह की पद्धति है। हमारे जीवन में क्या होता है कि हम जैसे कहीं बाजार में जाते हैं, तो आपने देखा कि ये बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए जा रहे हैं, इनकी मूल्य बहुत अच्छी है, इनकी घड़ी बहुत अच्छी है। तो पहले देखती है आप, फिर मन में इच्छा होती है कि ये हमको मिलनी है, ऐसा तो फिर कैसे मिले, पैसा हो तो खरीद लें
और न हो तो कहीं से चोरी बेईमानी से पैसा पैदा करें और जैसे तैसे इसको प्राप्त करें। तो जब आगे आगे हमारे इंद्रिय चलते हैं और इंद्रियों के पीछे मन चलता है और मन के पीछे बुद्धि चलती है तो ये कहाँ ले जाते हैं? वायु तनाव प्रभाव करते हैं। गीता का कहना है कि इंद्रियां आत्मचर्यता यद मनोविधि है, समझ में बात आपको सदस्य भौतिक प्रज्ञा प्रज्ञा होती है, गया ज्ञान, ज्ञान कहाँ गया? मन में गया। मन कहाँ गया? इंद्रियों में गया। इंद्रियां कहाँ गई? तो खाते समन्वय की प्रक्रिया क्या है? आपका जो आचरण हो वो बुद्धि संग्रह। पहले आपके मन में ज्ञान और ज्ञान के अनुसार संकल्प हो और संकल्प के अनुसार क्रिया हो। जानाति इच्छति करोति। पहले हम किसी बात को जानते हैं, समझते हैं, पहले समझ लीजिए। समझने के बाद ये देखिए कि जानने योग्य है कि छुपाने योग्य है कि छोड़ने योग्य है। बुद्धि से पहले ये निश्चय कर लीजिए, छोड़ना हो तो छोड़ दीजिए और पाने लायक हो तो उसके पाने का संकल्प कीजिए और संकल्प के बाद प्रयत्न कीजिए उसके पाने का। जानाति इच्छति करोति। ये हमारे न्याय शास्त्र का की प्रक्रिया है, उसकी शैली है, उसका ढंग है। पहले हमारी बुद्धि कहे, ज्ञान कहे कि ये ठीक है, फिर उसके लिए इच्छा हो और इच्छा के अनुसार प्रयत्न हो। इस बात को जब हम भूल जाते हैं, इंद्रियों की आंख से चलते हैं, बुद्धि की आंख से नहीं चलते, तब इंद्रियां तो बाप और उनके पीछे मन चला बिना सोचे विचारे, फिर बुद्धि चली, बुद्धि के पीछे आंख चले। तो गीता का कहना है कि आपके इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में तीन जगह काम कार्य बात है। आप गीता में पढ़ो, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्या दुष्पान उच्यते ये शरीर विमोहयतीश ज्ञान आवृत्य देविनाम। एक आदमी के पास थोड़े सारथी निश्चय था कि जब ये सारथी रहे, ये बागडोर रहे, ये घोड़े रहे, ये रथ रहे, तो ये शत्रु पर अवश्य विजय प्राप्त कर देगा। लेकिन शत्रु ने क्या किया कि उसने उनके उनके हाथ छिप करके सही जी का काम कर दिया, सही बन गया, घोड़े घोड़े की सेवा कर रहे और अपने हाथ से घोड़ों को खिलावे पिलावे पुचकारे और धीरे धीरे जो घोड़ों की बागडोर थी उसको कमजोर कर दी उसने और सारथी को घूस देकर अपने पक्ष में मिला लिया। अब जब वो शत्रु विजय प्राप्त करने के लिए चले तो घोड़ा उनके हाथे हटे नहीं, बागडोर उनके पीछे खींचे नहीं और सारथी को कहे कि इधर ले चलो वो उधर कर दे। तो जिसके रथ के सारथी घोड़े बागडोर दुश्मन के हाथ में चले गए वो इस संसार संग्रह में, संसार संग्राम में, संसार संग्रह में विजय कैसे प्राप्त करेगा? तो काम रूप शत्रु ने क्या किया कि पहले लोगों की इंद्रियों को और लगाम को, घोड़ों के भागों को
और शांति को अपने घर में बोले थे। तो जहाँ शत्रु की मौज है वहाँ आपकी सवारी चली जाएगी, आपका रथ वहाँ चला जाएगा। एक मुस्लिम नेता थे हमारे देश के, वो अपनी मोटर में हिंदू ड्राइवर कर रहे हैं। सच्ची सच्ची जानकारी है, सच्ची जानकारी। एक बार औरंगजेब को हाथी पर बैठा है, उसने कहा इसकी लगाम हमारे हाथ में दे दो। उस विद्वान ने बताया कि हाथी की लगाम नहीं लगाई जाती है, जो ये हमको दे सकता है। उसने कहा अच्छा, जिसकी लगाम अपने पास नहीं है तब पूछ रहा, इस हाथी पर मैं नहीं बैठूंगा। जिसकी लगाम अपने हाथ में न हो ऐसे रथ पर क्या बैठना, क्या पता है हाथी कब लगा जाए। हमको जिस रथ पर बैठते हैं उसकी लगाम हमारे हाथ में चाहिए। आप अपनी इंद्रियों को कहीं जाने से रोक पाते हैं कि नहीं, अपने मन को किसी संकल्प से मुक्त कर लेते हैं कि नहीं। आपकी बुद्धि इंद्रियों की मां और मन की आसक्ति से बचकर आपके जीवन के सत्यों का विवेचन कर सकती है कि नहीं। तो जीवन की सफलता कहा है, अब आप बुद्धि को आगे आगे और मन को राग द्वेष युक्तु विषयान्द्रियैश्चरन् आत्मवशी विधेयात्मा प्रसाद अधिगच्छति प्रसादे सर्व दुःखानां नानुरत्योपजायते प्रसन्नचेतसो यातु बुद्धिः सर्वतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य सुखसुखम्। सुख शांति प्राप्त करना चाहते हो तो आपके जीवन की शैली उसमें बुद्धि आगे हो और आसक्ति पीछे हो। विधेयात्मा आपकी इंद्रियां आपका मन आपकी आज्ञा मानता है कि नहीं। आपका सेवक आपका आज्ञाकारी है कि नहीं। वो कहीं लड़ तो नहीं बैठता कि आप हमारे कहे अनुसार चलिए। विधेय आत्मा पहली बात है कि मन हमारा आज्ञाकारी नहीं है। जब हम बात को कह रहे हैं कि हे बात आओ छाती को बैठ, जब तक हम न हटा रहे तब तक हाथ न रहे, ऐसा बात होना चाहिए। श्री हरि बाबा जी महाराज को हमने देखा ठीक समय पर संभलने के लिए निकलते, एक हाथ ऐसी छाती पर रखे और 5 मिनट चलने के बाद जब लौटते तो उनका हाथ यही होता है। रास्ते में दाहिने बाएं नहीं देखते थे, आगे आगे जो आदमी चलता उसके पीछे चलेगा। मन को आज्ञाकारी होना चाहिए, हमें मन का आज्ञाकारी नहीं होना चाहिए। ये समन्वय हुआ बुद्धि के पीछे, अन्वय माने अनुगति और सम माने सम्यक अनुगति, अन्वय माने अनुगत, अय माने गति, अनु लग जाने से अनुगति और सम माने सम्यक अनुगति। अनुगत्य अनुगत्य है बुद्धि के पीछे मन चले। गृह आत्मा पहले सोच को ये ठीक है कि नहीं। असल में हमारा पक्षकार जो मन के प्रति बहुत ज्यादा है, जिसने हमारे जीवन को बहुत दुखी कर
कि एक एक प्रश्न देखो आपके जीवन में, हमारे जीवन में हम जानते हैं कि सत्य बोध नहीं उचित है, कर्तव्य हम तक करने का शोध परमात्मा को प्रसन्न करने वाला है। अच्छा जी, तो बुद्धि तो ये समझती है कि सत्य बोलना ठीक है, फिर हम असत्य क्यों बोलते हैं? तो हमारा मन कहता है कि तुम सोच तो ठीक रहे हो कि सत्य ही धर्म है और सत्य ही सन्मार्ग है, सत्य से ही परमात्मा प्रसन्न होता है, सत्य से ही अंतकरण शुद्ध होता है, तुम समझते हो सबको ठीक। लेकिन यहाँ यदि तुम सत्य बोलोगे तो तुमको भोग देने वाला पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारे भोग में रुकावट डालने वाला दुश्मन नहीं मिलेगा, तब तो तुम्हारे सुख में बाधा पड़ जाएगा। तो मन देता है सुख की लालच और फिर हम बुद्धि का साथ छोड़कर मन की ओर चल पड़ते हैं। हमारी बुद्धि को मालूम है सुख ब्रह्मचर्य में है और हम ब्रह्मचर्य मन कब करते हैं? जब हमारा मन कहता है कि यहाँ ब्रह्मचर्य संग करने से सुख होगा, कि ईमानदारी सच्ची चीज है, बढ़िया चीज है, परंतु जब मन कहता है कि यहाँ बेईमानी करने से सुख मिलेगा तो हम बेईमानी को पक्ष में लिया। तो हमारे मन में सत्य का पक्षपात कम है और सुख का पक्षपात ज्यादा है, अर्थात हम अपनी जानकारी का तिरस्कार करते हैं और हम अपने मन की आसक्ति का आदर करते हैं, हम ज्ञान के पक्ष में नहीं जाते हैं, सुख के पक्ष में चले जाते हैं। तो एक होती है वासना और एक होता है विचार। हमारा जीवन वासना के पक्ष में चल रहा है कि विचार के पक्ष में चल रहा है, इन दोनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो विचार के अनुसार जीवन चले, बेईमानी की ओर खींचेगा, सुख व्यचार की ओर खींचेगा और सुख हिंसा की ओर खींचेगा और सुख झूठ की ओर खींचेगा, तब तक हमारी बुद्धि दावा को होती रहेगी। इसको ये देखो व्यवहार में विचार का और आसक्ति, विचार का और मन का कैसे समन्वय होना चाहिए? देखो हम गुरु की अवज्ञा करके मनमानी काम करते हैं, शास्त्र की अवज्ञा करके भी हम मनमाना काम करते हैं, संप्रदाय की अवज्ञा करके गुरुजनों को धक्का बता के अपने आदरणीय से छिपाकर हम बुरे काम करते हैं। ये हमारे जीवन में कहां पे है? कही है कि हम मन के वश में डूबे और बुद्धि का तिरस्कार, ज्ञान का तिरस्कार। ये ज्ञान देवता ऐसे हैं महाराज, उनका स्वभाव ऐसा समय पर याद को रोशनी दे बताएंगे ठीक है, लेकिन जब बार बार वो बताएंगे और बार बार आपको उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो अपने तिरस्कार का अनुभव और वो फिर सच्चा रास्ता बताना पड़ सकता है। फिर तो आप बहुत आसक्ति के रास्ते में भटक जाएंगे। तो हमारा मन दुख साफ होना चाहिए, हम पहले भगवान के स्वरूप को समझें और मन से उनसे प्रेम करें, हम बुद्धि के स्थानों को समझें और फिर मन से श्रद्धापूर्वक उसका अनुष्ठान, हम बुद्धि से समाधि को पहले समझें और फिर अभ्यास के द्वारा समाधि उत्पन्न करें, हम पहले ब्रह्म और आत्मा का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करें और उसमें निष्ठावान हो जाए।
विचार के बिना, ज्ञान के बिना जो हमारी अंतर्मुख प्रवृत्ति है ये दुख देने वाली है। और इसका बहुत ज्ञान का परिणाम नहीं हो। और एक बात पर ध्यान और देने का है, तो ये देने का है कि ये जो हमारी बुद्धि है ये सही है कि गलत, ये तौर है। बुद्धि का भी माप है। हमको एक महापुरुष ने बचपन में ऐसा बनाया कि तुम्हारी बुद्धि पौरुष का पक्ष ले रही है कि आलस्य का। यदि आलस्य के पक्ष में तुम्हारी बुद्धि जा रही है तो कमजोरी हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि सदाचार के पक्ष में जा रही है कि अनाचार? यदि अनाचार के पक्ष में जा रही है तो तुमको धोखा देगी। अनाचार को अनाचार में कभी सच्चा सुख, कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं होती। बिल्कुल अलग चीज। अपने मन को ज्ञान के अनुसार, बल्कि जो देखों के गुरु जी थे जिनका नाम साक्षी था, सुकरात का ऐसा विचार था कि यदि मनुष्य को ज्ञान ठीक ठीक हो जाए तो आसक्ति के गलत रास्ते में नहीं जाए। जिसका उसने दृष्टान सुकरात ने एक आदमी के सामने पड़ गया भोजन बना के फर्क किया गया, उसकी जीभ पर पानी दिया गया, उसकी नाक में सुगंध भी पड़ गई, आप देख के खुश हो गई और वो समझता है मानी बहुत बढ़िया। इतने में एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि पिताजी भोजन मत कीजिए जिसमें जगह लगा। पिताजी का बात हो गया, जीप कह रही है भोजन करो, नाक कह रही है बहुत सुगंध है, आप कह रही है देखने में बवाल पड़ जाए और पहले सोचा था इससे हम स्वस्थ होंगे, लेकिन एक बच्चे ने आके आपको ये जानकारी दी इस भोजन में विष है। और ये जानकारी देते ही आपका हाथ खुल गया। तो जहाँ ज्ञान के विरुद्ध हम आचरण करते हैं वहाँ हमारा ज्ञान कच्चा, उस ज्ञान में कुछ न कुछ कच्चापन है। यदि हमारा ज्ञान सच्चा होगा तो हम ज्ञान के विपरीत आचरण नहीं करते। अब हमारी बुद्धि के कुछ बाधक कारक, बुद्धि में विघ्न डालने वाले और हमारी बुद्धि को नाश की ओर ले जाने वाले, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी बुद्धि के लिए स्वागत है और उत्तम दिशा में ले जाती है, डावाडोल नहीं होने देती। देखो बाधक क्या है, आठ बातों से ऐसा विघ्न आता है जीवन में कि बुद्धि ठीक ठीक काम नहीं करता। जायतो विषयानस्य संकष्टेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविद्रोहः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिना, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये आठ बातें हैं जो हमारी बुद्धि को व्यस्त तो करते ही है, हमारा भी सत्यानाश करते हैं। तो
पाते क्या है कि हम जान बूझ करके विषय भोगों का चिंतन करते हैं। जिसका ध्यान करेंगे वो चीज हमारे पास आएगी या हम उसके पास पहुंच जाएंगे। जय जय तो विषय सदस्य संघर्ष के बीच जाए सर्वम ज्ञानी कमे बात धनी के पास धन कमा होगा तो धन का मेहनत करोगे। हमारे मुंबई में सवेरे फोन उठाए महाराज ये ध्यान देगी होती हो धन की धारणा करते हैं धन का ध्यान करते हैं धन उनके पास आता है। जब जान पूछ करके हम संसार के भोगों का ध्यान करते हैं और उनकी धारणा करते हैं तो या तो हम खींच के उनके पास पहुंच जाएंगे जहां धन होगा और या तो धन ही खींच के हमारे पास आ जाएगा। वो तो बलवत्ता की बात है। धन बली होगा तो आपको खींच लेगा, आप बली होंगे तो धन को खींच लेंगे। और जब संग प्राप्त होता है तब ये होती है कामना कि ये हमारा हो जाए, उससे भोग ही कामना। और यदि कामना पूरी हो तो और कामना होती है, उसका नाम लोभ है और वो कामना के अंतर्गत। परंतु जब विघ्न पड़ जाए तो क्रोध आता है और जब क्रोध आता है तो अपना कर्तव्य भूल जाते हैं और जब कर्तव्य भूल जाते हैं तो इस समय हमको क्या करना क्या नहीं करना याद ही नहीं रहती। जब याद नहीं रहती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अपनी जगह से च्युत हो जाती है। जहाँ बुद्धि को रहनी चाहिए वहां नहीं रहती है और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तब मनुष्य का स्वयं का जहाँ बुद्धि नहीं है, बुद्धि की उपाधि से ही मनुष्य मनुष्य हो अपने को ये और प्राणियों से श्रेष्ठ इसी से कह सकता है कि ये बुद्धिमान कितना बढ़िया हाथ मिला पाँव मिला दुनिया में किसी प्राणी को नहीं है ऐसा नाम। इतनी बढ़िया मछलियाँ इतना बढ़िया लोग इससे भोजन कर लो चाहे इससे चित्र बना लो चाहे इससे माला पहन लो जहाँ से चाहो वहाँ से मोड़ लो तोड़ लो पकड़ लो छोड़ दो इतना बढ़िया हाथ दुनिया में और किसी प्राणी के नहीं। और ऐसी बुद्धि अपमानित है। अब से 10,000 वर्ष पहले 5,000 वर्ष पहले चीज कौवे जैसे रहते थे वैसे ही आज भी रहते वो अपना घोषणा जैसा बनाते सोए का बनाते हैं जैसा भोजन करते सोए का करते हैं। न उनके यहाँ कपड़े की मशीन लग पाई, न रेलगाड़ी बनी, न मोटर बनी, न हवाई जहाज बना, न कोई नया आविष्कार हुआ। वो तो पुराने ग्रीक पर चलते हैं और मनुष्य नया नया आविष्कार करता है। नवीन नवीन वस्तुओं के आविष्कार की प्रतिभा है और न जाने अभी क्या क्या भरा आविष्कार होंगे। संभावना ऐसी है कि आग यदि ऊपर की ठीक न हो पाती हो तो शरीर में कहीं दूसरी जगह भी आग बना दी जाए, ऐसी संभावना है। क्योंकि नेत्र इंद्रिय व्यापक इंद्रिय शरीर में जहाँ कहीं वो जो भी जगह दी जा सकेगी विज्ञान के प्रभाव से कान कहीं भी बनाया जा सकेगा, सांस लेने के लिए नाक कहीं भी बनाई जा सकेगी। भोजन को अभी गुरु को डॉक्टर लोग भेज देते हैं नसों में तो बिल्कुल विज्ञान के द्वारा ऐसा आविष्कार होगा कि एक स्थायी क्षेत्र बना दिया जाएगा उसमें भोजन डालो और वो बिल्कुल पचता हुआ चला जाएगा। विज्ञान में संभावना क्या नहीं है और ये कौन करेगा ये आविष्कार कैसे होगा। अभी भी चंद्रमा पर जाते हैं, शुक्र पर मंगल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, मिनटों में संसार के संहार की वृद्धि करती है।
ये मनुष्य की बुद्धि साधारण बुद्धि नहीं है, ये बुद्धि मनुष्य की अपनी खास पूंजी है। और महाराज ये जो आपके होठों पर मुस्कान, ये जो आंखों में प्यार है, सत्ता का उद्रेक कर्म की शक्ति है और चित्त का उद्रेक बुद्धि की शक्ति है, और आनंद का उद्रेक ये आप जो सकते हैं। आपने प्राणी देख देखा होगा, पूछ ला के आप बिजली होता है और कभी खतरा के होता है। ये हास्य का उत्तम भट्टता, ये परिवार, ये विहसन, ये प्रहसन, ये विहसन, ये अट्टहास, ये हास, ये स्मित, ये मंदर स्मित, ये आनंद का इस ढंग से उल्लास का संसार में विभिन्न होता है। तो जब हम बुद्धि खो बैठते हैं तो हमारे कर्म भी बिगड़ जाते हैं और हमारे आनंद में बिगड़ जाते हैं। बुद्धि की उपाधि से ही हमारे कर्म अच्छे संपन्न हो गए हैं और बुद्धि की उपाधि से ही हमारे आनंद का उद्रेक होता है। जब हम ज्ञान खो बैठेंगे तो किससे करेंगे प्रेम, तब तो गधे और गाय के प्रेम का विवेक ही नहीं होगा, तब तो सत्पुरुष और विद्या के प्रेम का विवेक ही नहीं होगा जब बुद्धि खो बैठेंगे तब। और फिर चोरी में और दान में अरे कहीं नहीं हो सकेगा अगर बुद्धि खो बैठेंगे तो। इसलिए बुद्धि नाश, यदि बुद्धि का नाश हो गया ये आप ध्यान देंगे ये दुनिया के सब मजहबों से विलक्षण है। कौन मजहब है दुनिया में जो मनुष्य की बुद्धि का इतना आसर करता है? देखो हमारे मजहब के अनुसार करो, समझ में आवे कि ना आवे, नहीं तो तुम काफिर हो। और गीता कहती है कि नहीं बनता है कुछ भी बन उद्धव शर्म मन मिक्सर, ये दुनिया के किसी भी मजहबी किताब में ये लिखा हुआ नहीं मिल सकता कि उद्धव शर्म मन मिक्सर। उसमें तो बताया कि यदि तुम बुद्धि की शरण लोगे तो गीता का कहना बुद्धि की शरण लोगे पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे। पाप भी मानता है, पुण्य भी मानता है। पाप नरक की ओर ले जाता है, पुण्य स्वर्ग की ओर ले जाता है। ये पाप के ले जाते हैं। बुद्धि तुमको जगाती है, इसी जीवन में तुम पाप और पुण्य से छूट जाओ। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तत्वा मनुष्य। यदि आपको बुद्धि प्राप्त हो जाए सच्ची तो आप सुख दुख से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपको स्थिर बुद्धि की प्राप्ति हो जाए तो यही समाधि लग जाएगी। यदि आपको स्थिर बुद्धि की प्राप्ति हो जाए संसार के किसी भी मजहब में बुद्धि को महत्व नहीं दिया गया है इतना जितना गीता का बोले। अब गीता का कहना यह है कि भाई यदि बुद्धि का नाश होगा तब तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा। बुद्धि नाशा लेकिन एक यदि तुम्हारी बुद्धि मेरे साथ जुड़ जाए तो गीता में दो बात है बुद्धि नाश और कौन्ते प्रतिजारी ही नमे भक्त प्रणश्यति। श्लेया तुम सुनो, हाँ क्या कह रहे हो प्रभु? तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें प्रतिज्ञा करो, प्रतिजानी ही माने प्रतिज्ञा स्व
बातों को तुम ही कर लो। बोले कि बाबा प्रतिज्ञा मैं करूंगा आज तुम्हारे सामने और परसों परसों में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाला हूँ। जब भी युद्ध करेंगे और तुम्हारे ऊपर संकोच प्रहार करेंगे तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के भी तुम्हारी रक्षा के लिए चक्र उठाऊंगा। वा पटकी की कर हर चक्र चरण कौ पावन नहीं बिसरते हो भगवान। वा पटकी की जब भी कहेंगे आज जो हरी शस्त्र कमाऊं तो राजो गंगा जननी को संतन कितने कमाऊं। जब भीष्म ये प्रतिज्ञा करेंगे तो उनकी प्रतिज्ञा तो अटल होगी और मेरी प्रतिज्ञा तो आज यदि मैं तुमसे कोई प्रतिज्ञा करूं तो परसों परसों लोग कहने लगेंगे ये तो प्रतिज्ञा के पक्के नहीं है पूछे हैं वो प्रतिज्ञा करते तो प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो महाराज? तुम अपने मुंह से बोलो ना मत भक्त न मत भक्त जो मेरा कष्ट होगा उसका नाश कभी नहीं होगा। ये भगवान की प्रतिज्ञा ये भक्त की प्रतिज्ञा भगवान अपनी बात काट सकते हैं परंतु भक्त की बात कभी नहीं काटते हैं। भगवान अपने अपराध को क्षमा कर देते हैं परंतु भक्त के अपराध को कभी क्षमा नहीं करते। जो अपराध भगत कर करे राम रोग भावक से करे भगवान अपने अपराध का अपने अपराध को क्षमा करते हैं भक्त के अपराध को क्षमा नहीं करते। भक्त की जिम्मेवारी है कि जो भगवान की प्राप्त होगा अब देखो एक हो अब यहाँ बुद्धि बुद्धि रहेगी तो तुम्हारा नाश नहीं होगा। बुद्धि का नाश होगा तब तुम्हारा नाश होगा। तुम्हें नाश से बचाने वाली वस्तु कौन तो बुद्धि और नाश से बचाने वाली दूसरी वस्तु कौन भक्ति। भक्ति भी नाश से बचाती है और बुद्धि भी नाश से बचाती है। एक बात आप ध्यान में ले लो नोट कर जब आपका ईश्वर से मतभेद होता है ईश्वर चाहता है कुछ और तुम चाहते हो कुछ और जिधर ईश्वर की राय में तुम्हारी राय में ले बोल दिया बोल तुम्हारी राय तुम्हारी राय प्रभु जो तुम्हारी इच्छा है वो पूरी हो आपको दुख। यदि आपकी राय ईश्वर की राय से मिली होगी आपकी मति ईश्वर की मति से मिली होगी आपका ईश्वर के साथ मतभेद नहीं होगा तो आपको दुख कभी नहीं दुख अभी होता है मनुष्य को जब हम ईश्वर के साथ मतभेद करते हैं। और ईश्वर के साथ मतभेद क्या है ये समस्त विश्व विराट प्रभु का रूप और इसमें ईश्वर की बुद्धि काम है। जब तुम्हारी बुद्धि सबकी भलाई के लिए सबके हित के लिए किसी को दुख न पहुंचे यदि इस दृष्टि से काम करेगी तो आपकी बुद्धि ईश्वर से मिली। विभीषण की शरणागति में यही सुख स्वार्थ परिहरि करिहौ सोई जे साहिबै सुहौं। मैं अपना सुख छोड़ के अपना स्वार्थ छोड़कर वो काम करूंगा जिससे मैं अपने साहब को अपने मालिक को राम को अच्छा करूं। जब ईश्वर की मति से अपनी मति मिली है अपनी मति में अहंकार नहीं है अपनी मति में भगवान से भेद नहीं है अपनी मत का जो
की भगव दीक्षा की विपरीत नहीं है, भगवान का दिया हुआ है। फल भगवान का दिया हुआ है, बुद्धि भगवान की दी हुई है, ये अहंकार भगवान का नियम है। अब भक्ति और ज्ञान का, मन और बुद्धि का, मन और बुद्धि का समन्वय हो जाएगा। समन्वय होना माने ज्ञान के पीछे ज्ञान जो भगवान है, ज्ञान को साक्षात भगवान है, और भक्ति ज्ञान की अनुसारिणी वृत्ति, ज्ञानानुसारिणी वृत्ति। कश्मीरी शैवों ने प्रश्न उठाया है, भक्ति क्या है? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप की वृत्ति क्या है? उन्होंने इसका उत्तर दिया है, रखते हुए ज्ञान का, उल्लसित ज्ञान का, उल्लसित ज्ञान का नाम भक्ति। जब हमारा ज्ञान लहराता है, जब हमारा ज्ञान थिरकता है, जब हमारा ज्ञान नाचता है, जब हमारा ज्ञान रस से परिपूर्ण, रस से भरा हुआ होता है, रस भरे ज्ञान का नाम भक्ति। ज्ञान और प्रीति, जानकारी और प्रेम, जब आप दोनों एक हो जाते हैं, वहाँ ज्ञान में भक्ति मिल गई और भक्ति में ज्ञान मिल गया, और दोनों दोनों एक हो गए, ज्ञान भक्ति का समन्वय हो गया। ये आपको ये जो सविशेष ज्ञान है ना, सविशेष ज्ञान, उसके साथ भक्ति का समन्वय आपको मिलना है। क्योंकि पहले मैंने सुना दिया वेदांतियों के समन्वय का खंड दूसरा है, वो परमार्थ के बोध के लिए है। और ये जो ज्ञान और भक्ति का समन्वय है, ये हमारी व्यावहारिक सिद्धि के लिए है। व्यवहार में मन और ज्ञान यदि अलग अलग होंगे तो आपसे ग्रंथ लेना पड़ेगा। बिल्कुल, जानकारी कुछ और है और जानते कुछ और है, करते कुछ और है। तो जो काम विचार से सिद्ध नहीं है, विचार से शुद्ध नहीं है, विचार से सिद्ध नहीं है और विचार से शुद्ध नहीं है, यदि वो काम हम करेंगे और वैसे संकल्प करेंगे, तो संकल्प और विचार दोनों आपस में लड़ जाते हैं, और जब लड़ जाते हैं तो उनके संकल्प से मन पर इतना बोझ पड़ता है, वो बेचारा उसको आत्मसात करने के लिए जल्दी जल्दी करने लगता है। जल्दी जल्दी एक डॉक्टर उनको बता रहे थे, ये जब सर्दी लगने लगती है ना शरीर में, सर्दी लगती है ठंड, तो शरीर कांपने लगता है, बहुत कम लगता है, जानते हैं काम करते जाने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है। तो उन्होंने उनको बताया, आप जानते हैं ये शरीर क्यों कांपने लगता है? शरीर ठंड बढ़ने पर, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने बताया कि उस ठंड को दूर करने के लिए गर्मी पैदा करने को शरीर इतनी जोर से कांपने लगता है कि उस हिलने से एक प्रकार की गर्मी पैदा हो और वो सर्दी मिट जाए। तो आपके मन में भी जो ज्ञान और विचार जब दोनों लड़ने लगते हैं, है? तो वो कहीं खुराक के बिना तो उनको ही न मार रहा है, शरीर को न मार रहा है। उनको बहुत सारी खुराक पहुंचाने के लिए जल्दी जल्दी वो रक्त पहुंचाते हैं कि आपस में तो लड़ते हैं, कहीं मध्यस्थ को न मार रहा है। अगर दो आदमी लड़ रहे हो और बीच में कोई जाए, एक तलवार उसको लग जाए, एक गोली लग जाए, एक गड्ढा लग जाए, जल्दी जल्दी शक्ति पहुंचाता है। ये ज्ञान और भक्ति महाराज, एक बात आपको छोटी सी सुना, आपकी सुनी हुई भी होगी, ये आत्मा या परमात्मा जिसको बोलते हैं सत्य, गीता में भी सब शब्द का प्रयोग है, अमृत जैव उत्कृष्ट सदसचार अर्जुन विद्यते भाव नाभाव विद्यते सतर सब सब का सदसत्या सब सब का बहुत
इसलिए आत्मा परमात्मा सब सब माने अपने है और रहना चाहता है तो आपका धर्म क्या हुआ? सबके रहने में आप मदद की, स्वयं भी अपने जीवन को बनाए रखिए, जैसे स्वस्थ रहे दीर्घायु रहे ऐसा काम अपने जीवन के लिए कीजिए और दूसरा का जीवन भी, दूसरे का जीवन भी स्वस्थ रहे और दीर्घायु हो ऐसा काम कीजिए। और न तो स्वयं आत्महत्या का संकल्प कीजिए, मरने का ख्याल मत कीजिए और न दूसरे को मरने दीजिए, अपनी ओर से प्रयत्न कीजिए जो मरने न पाए। इस सद्भाव में से चार धर्म निकलते हैं, जीते रहिए जिलाइए और मरने की कल्पना मत कीजिए और दूसरे के मरने में हेतु मत करिए। यदि आप सब हैं तो ये चार बात आपके जीवन में रहनी चाहिए और जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, अन्न चाहिए भोजन को, वस्त्र चाहिए पहनने को, मकान चाहिए रहने को, पानी चाहिए पीने को और दवा चाहिए स्वस्थ रहने को, उसकी व्यवस्था कीजिए, अपने लिए भी कीजिए दूसरों के लिए भी कीजिए। एक चित भाव है उसका अर्थ है क्या, आपके जीवन में क्या है, इसमें से धर्म निकलता है। हमारा धर्म भारत जाने नहीं है, इसका धर्म का एक दार्शनिक पक्ष है तो आप स्वयं जानकार रहिए, अपनी मूर्खता मिटाइए और दूसरों को मूर्ख मत बनाइए, उनको अपना ज्ञान बढ़ाइए और दूसरों का ज्ञान बढ़ाइए। इसके लिए पाठशाला होनी चाहिए, इसके लिए सत्संग होने चाहिए, प्रवचन होने चाहिए, पत्र पत्रिका होनी चाहिए, व्याख्यान होने चाहिए, अपना ज्ञान बढ़े और दूसरों का ज्ञान भी बढ़े, ये धर्म है। और दूसरों को बेवकूफ मत बनाइए और स्वयं बेवकूफ मत बनिए, मूर्खता से बचिए और बचाइए और ज्ञान में स्वयं पढ़िए और औरों को बढ़ाइए। ये चेतन में से ये चार धर्म, ये चार धर्म निकलता है, आनंद में से भी चार धर्म निकलता है। आप सुखी रहिए औरों को सुखी कीजिए और सुख के लिए जो सामग्री अपेक्षित है वो सब लौकिक संपदा भी चाहिए, अर्थ चाहिए उसके लिए, काम चाहिए उसके लिए, भोग चाहिए उसके लिए, ये तीनों पुरुषार्थ जीवन में काम आते हैं। और नाचना भी आना चाहिए, नाच लिए कोई नहीं हो, अपने आप में नाच लिए, लोगों में नाच लिए, नृत्य हर लगे फिक्री अपने शरीर को उंगली को ऐसे करने में है और ऐसे करने में मजा ले लिया, हाथ को मटकाने में, कुर्सी को हिलाने में मजा ले लिया, हर लगे फिक्री नृत्य का आनंद, संगीत का आनंद, बिल्कुल आवाज आवाज को कभी पंचम में कर दिया है और कभी दूसरे स्वर में कर दिया, कभी दिवस हो गया, कभी अंधार हो गया, कभी पंचम हो गया, अपने स्वर को बदलकर आनंद लीजिए और दीजिए, जिसमें मन लगे ना फिर करी उसको संगीत बोलते हैं। नृत्य है, गीत है, नृत्य है, संगीत है, वाद्य है, बजा लीजिए बांसुरी, तबला बजा लीजिए, सारंगी बजा लीजिए, सितार बजा लीजिए, वीणा बजा लीजिए और वो किरण किरण किया वो आनंद आता है, आनंद की वस्तु भी चाहिए तो आनंद लीजिए, अभिनय कीजिए, अभिनय पार्टी कर रहे तो अच्छा पार होगा तो आपको बड़ा मजा मिलेगा, दूसरे को भी मजा आएगा। तो नृत्य संगीत वाद्य अभिनय ये सब आनंद के हेतु है, तो आप स्वयं दुखी मत होइए, दूसरे को दुखी मत कीजिए और स्वयं सुखी रहिए और दूसरों को सुखी कीजिए, ये आनंद में से ये चार कर्म निकलना है। नारायण एक बात और है,
ये सत्य आनंद ये तीन एक ही अद्वैत उसमें से धर्म निकलता है। धर्म निकलता है मिलकर रखिए और मिलाकर रखिए, ये अद्वैत धर्म है। आप किसी से छूट जाएंगे आजकल तो कल भी रहने वाला न जाति का मेल है न मजहब का मेल है न राष्ट्र का मेल है न ब्राह्मण का मेल है न भारतीय का मेल है रंग बदलवों का सपा तो मिलकर रखिए और मिलाकर रखिए, ये सर्व है। और टूटिए मत और तोड़िए मत, स्वयं टूटिए मत और दूसरे को तोड़िए मत। ये जो है ये सच्चिदानंद अद्वैत जिसको तत्व बोलते हैं दार्शनिक दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से, शास्त्र पुराण की दृष्टि से जिसको तत्व बोलते हैं, उसके भीतर से हमारे जीवन के लिए धर्म निकलता है। तो पहली बात यह है कि आप मन और बुद्धि को बुद्धि में मन को मिलाकर रखें, जितनी भी प्रेरणा मन को बुद्धि में मिलाकर रखिए, जितनी भी प्रेरणा आपके जीवन में आवे तो आपकी बुद्धि शुद्ध है कि नहीं ये देखिए। बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए गीता का ख्याल है कि छह बातें हमारे जीवन में रहनी चाहिए, आठ है बुद्धि के नाशक और छह है बुद्धि के वर्धक। बुद्धि बढ़ाने वाली क्या चीज है, घबराइए मत। आत्मनिर्भर आप जो भी काम कीजिए, चाहे व्यापार कीजिए, धन कमाइए, चाहे भोग कीजिए, चाहे धर्म कीजिए, चाहे श्रवण मनन ध्यान मोक्ष की प्राप्ति के लिए कीजिए, लेकिन आप जब तृप्त होकर के अपना काम करेंगे, तृप्त रहकर काम करेंगे, उनका आदि महाराज चाहे हमें कई बार एक गप्पा ऐसा लगाए मुंह में डाले कि पेट भर जाए, अरे सड़क जाने का डर है, गिर जाने का डर है, आंख में आंसू है, शांति से भोजन करो, सनई मुक्ति सनई सुक्ति सनई 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 पंथा सनई पंथा सनई कंथा सनई पर्वतरोहणम सनई मुक्ति सनई सुक्ति। ये नहीं काट करके थम से गिरे और काट कमजोर हो तो टूट जाए, इसका मतलब है कि कहीं पिट के आए हैं, कहीं अगर पीटे नहीं होते तो काटना थम से कैसे करते। चल रहे महाराज ऐसे कटा पटा चल रहे हैं कि पाँव निकल जाए। तो ये जो कृष्णा कृष्णा का जीवन है, चिंता का जीवन है, घबराहट का जीवन है, ये आप घबरा कर कोई व्यापार करेंगे ये रेखाटा लग गया, अब ऐसे काम में आप हाथ डाल देंगे जहाँ से हाथ खींचना मुश्किल हो जाए। घबराहट नहीं तृप्त है काम करना चाहिए, सजगा जरा काम सर्वान मनोज्ञता काम के बस में न हो और आप आत्मतुष्ट हो तब आपकी बुद्धि स्थिर होगी और अच्छा काम करेगी। तो छह बात ऐसी है जिससे मनुष्य की बुद्धि डामाडोल नहीं होती, तब हमारे जितने संकल्प हैं वो बुद्धि में से निकलते हैं और बुद्धि में से जो संकल्प निकलते हैं